सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो नित नहाते हैं, 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 पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित नहाते हैं, पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते रखना कि जो मैं आपको यहाँ व्यासपीठ के माध्यम से आपको कहा जा रहा है बार बार ताली बजाने के लिए, बार बार संकीर्तन करने के लिए, क्यों? क्योंकि यह मानव देह जो है बार बार नहीं मिलती है, और इस मानव देह का ध्यान रखना, कभी हमें अभिमान नहीं करना है कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत गोरे हैं, ये सांवला है, ये ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यह पांच तत्वों से बना हुआ है, और इन पांच तत्वों से यही सी में जो है मिल जाएगा। देहंसी मांस रुद्रे भीमतिम तेजत्म जाया सुतादि सुसदा ममताम विमुंच पश्चिम जगदीर क्षण भंग निष्ठम वैराग राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। ध्यान रखना, ऐसा हमें बन जाना है इन नौ दिन में, ऐसे भगवान की कथा श्रवण करना है, ऐसे राग में भगवान के रंग में रंग जाना है, भक्ति में रंग जाना है, कि भगवान भी अगर हमारा में देखें और हमारे संकीर्तन अगर भगवान के कानों तक, भगवान के धाम तक पहुँचे, तो वो भी जबरदस्त जो है हमें जबरदस्ती दर्शन देने के लिए आ जाएं। ऐसा हमें जो है भक्ति भाव में रंग जाना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे संत महात्मा बताते हैं, क्या कहते हैं, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ सिखाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, सत्संग की सत्संग की गंगा में जो नित नहाते हैं।
जय हो। सभी लोग ताली बजाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। और ध्यान रखना कि अभी आपको बताया गया था पूर्व में कि यह जो तीर्थराज प्रयाग है, हम वहां जाते हैं स्नान करने के लिए, तो तन मन धन सबकी आवश्यकता होती है, तीनों की आवश्यकता होती है। लेकिन यह सत्संग रूपी तीर्थराज प्रयाग जो है, हम जहाँ चार लोग एकत्रित हो जाते हैं, जहाँ भी भगवान के भक्त विराजमान हो जाते हैं, वहीं तीर्थराज प्रयाग चल करके आ जाता है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान भी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि यह संसार में सत्य केवल भगवान का भजन है, भोलेनाथ भी यही कहते हैं। तो सभी लोग ताली बजाते हुए इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, और जगत जननी माँ।